मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। मेरी माजूरी ने मुझे बिल्कुल बेबस कर दिया है। मेरा दिल चाहता है कि मैं अपनी बहन को इतना जहर दूं कि तेरे ससुराल वाले देखकर छू उठे। नहीं भाईजान, माँ बाप अपनी बेटी अपने दिल का टुकड़ा दे देते हैं, इससे बढ़कर तो कोई चीज नहीं होती ना। और जो लोग जहेज की डिमांड करते हैं ना, वो लोग लालची होते हैं। ऐसे लोग कभी अपना घर नहीं बसा सकते जो लालच और हफस की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ते हैं। वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। और मुझे अपने बाबा के फैसले पर कोई अफसोस नहीं है, बल्कि हो सकता है कि अल्लाह ने हमें किसी बड़ी आजमाइश से बचा लिया हो। अब मैं मेहनत मजदूरी करूंगा और अपनी बहन को इतना जहर दूंगा। अब कोई भी रिश्ता घर से वापस नहीं जाएगा, कोई वापस नहीं जाएगा बेटा। आप फिक्र नहीं करें। हेलो भाई, आप जाओ यार। इतनी देर से ना कोई आपने ईंट रखी है और ना ही कोई रेत उठाई है और ना ही बजरी, और ईंटें तो आप उठा ही नहीं सकते। ये आप अपनी मजदूरी पकड़े, ये ले, आप कोई और काम करें। ये काम आपके बस की बात नहीं है, ठीक है? हमें आपकी जरूरत नहीं है, आप कोई और काम करें। जाए कर लूंगा जी मैं काम। चले जाए, शाबाश, चले जाए, आ जाते हैं, काम करना नहीं आता। भैया, भाभी, 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 भैया कहीं नहीं दिख रहे हैं। आपने उन्हें देखा है, वो कहाँ गए हैं? सुबह सुबह नाश्ता मांग रहे थे जनाब, बोल रहे थे काम पर जाना है। भैया कहाँ काम पर जा सकते हैं? आपने आपने भैया को कुछ बुरा भला तो नहीं कहा ना? मैंने तुम्हारे भैया को कुछ नहीं कहा, पर मुझे नहीं पता कि वो खाना खाए बिना क्यों गए हैं। पता नहीं, भैया ने नाश्ता भी नहीं किया और कहाँ चले गए हैं वो? ये तो तबीयत भी ठीक नहीं है, पता नहीं उन्होंने कुछ खाया भी होगा कि नहीं। लो, आ गए तुम्हारे भैया। आया, अब ठीक है? गुड़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने सुबह का कुछ नहीं खाया। आप बैठे। अब पानी पी। मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आ। हाँ तो कितने नोट कमा लाए हो? सुबह तो बड़ा कह रहे थे काम पर जा रहा हूँ, पैसे कमाने जा रहा हूँ। इतना ख्याल होता ना घर का, तो आज ये हालात ना होते घर के। कहेंगे वो कह रहे हैं कल पैसे मिल जाएंगे, वो उन पैसों का मैं गुड़िया का जहेज बनाऊंगा। जहेज कर लो बात, या अपना बोझ उठाया नहीं जाता, चले शादिया का जहेज बनाने। हम गुड्डा गुड़िया का खेल खेलते। आप गुड्डा रखे और मेरी गुड़िया, आप बारात लेकर आए। हाँ ठीक है, मैं बारात लेकर आऊंगा अपने दूल्हा मियां की। चलिए ठीक है, आप जाए, आप बारात लेकर आए। चलो भाई, हमारे दूल्हा मियां की बारात आएगी। चलो भाई, दूल्हा
सब बारात वाले इधर आ जाए। हाँ यहाँ बैठे सारे सारे सारी बारात कम्फर्ट थोड़ी डाल रही, इनको नीचे बिठा रही हूँ, ऊपर बिठाएंगे, बारात ऊपर बैठनी है। ठीक है फिर पीछे बिठा देती। हाँ ठीक है पीछे बिठा देते हैं, उधर दूल्हा होगा और ये हमारा दूल्हा आ गया भाई, इधर बिठाते हैं। चले भाई साहब निकाह शुरू करें। ठहरो निकाह से पहले मेरी बात सुनो। जी भाई साहब। निकाह से पहले मुझे जहेज दिखाना होगा तुम्हें। जहेज? जहेज? आपने इसका जिक्र पहले तो नहीं किया था। किस दौर की बात कर रही हो? मैं बगैर जहेज के दुल्हन ले जाकर लोगों से तरह तरह की बातें सुनूंगा। वैसे भी तुमने मुझे जहेज थोड़ी देना है, बल्कि अपनी बेटी को देना है जहेज, अपनी बेटी को। लेकिन मैं इतना जहेज कहाँ से लाऊंगी, मैं तो गरीब हूँ। तो फिर बारात वापस जाएगी, वापस। नहीं ऐसा नहीं कहें, ऐसा नहीं कहें भाई साहब। अगर ऐसे गरीब घरानों से बारातें वापस जाने लगी तो गरीब माँ बाप की बेटियाँ घर में बैठी बूढ़ी हो जाएंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप बारात वापस नहीं लेके जाएं। आप जानते हैं हम जिस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, उन्होंने भी अपनी बेटी को ज्यादा जहेज नहीं दिया था। उन्होंने भी जहेज में बस एक मुसल्ला, एक लोटा और कुरान मजीद दिया था। भाई आप रो क्यों रहे हैं? नहीं, तेरी बातें सुनकर मेरा कलेजा, मेरा कलेजा बाहर आ रहा है, मेरी बहन मेरा कलेजा बाहर आ रहा है। खुदा ना करे अब इस घर से कोई बारात वापस जाए, कोई बारात वापस जाए। भैया हम तो बस खेल रहे थे, ये तो बस एक खेल है। मैं जानलेवा खेल नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं गुटे गुटे मैं नहीं खेलूंगा, गुटे मारूंगा मारूंगा गुटे को। मैं भाई मैं नहीं खेलूंगा, खेल रहे थे। नहीं नहीं यार मेरी बेश नहीं।